नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का इंदौर सांसद शंकर लालवानी को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उड़ती उड़ती खबर मिली है कि शंकर लालवानी का टिकट कट गया है, क्योंकि किसी महिला को टिकट देना है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ बयान सामने आया है? देखिए, निश्चित ही कैलाश विजयवर्गीय अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और इस दौरान उनका एक बड़ा बयान जो है वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय जो है वो बना हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर लोकसभा सीट को लेकर एक बड़ा बयान दिया और उससे ये स्पष्ट होता जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंदौर लोकसभा सीट पर बड़ा खेल जो है वो भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इंदौर के वर्तमान जो सांसद है शंकर लालवानी, उनका टिकट है वो कट गया है। ये उड़ती उड़ती खबर आई है और ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टी है वो महिला को टिकट देने की ओर विचार कर रही है और इसका संकेत जो है वो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है। मस्ती भरे अंदाज में कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से महिलाओं और जनप्रतिनिधियों के सामने कहा है कि उड़ती उड़ती खबर आई है कि इंदौर सांसद शंकर लालवानी का टिकट कट गया है और किसी महिला को यहाँ पर उतारना है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि महिलाओं को चुनाव लड़वाया जाए और सेफ सीट से महिला चुनाव मैदान में उतरे। ऐसे में कहीं ना कहीं इंदौर जो है वो सेफ सीट मानी जाती है। तो कैलाश विजयवर्गीय की ओर से ये जो बड़ा बयान है ये राजनीतिक गलियारों में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है और जैसे ही ये बयान आया सोशल मीडिया पर कैलाश विजयवर्गीय के जो ये बयान है वो तेजी के साथ वायरल होते हुए दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने अलग अलग अंदाज में हंसी ठिठोली भी की और काफी कुछ कहता हुआ ये बयान राजनीतिक गलियारों में इस वक्त नजर आ रहा है। जी संदीप, कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान से क्या कुछ राजनीतिक मायने निकल कर सामने आ रहे हैं? देखिए, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 29 लोकसभा सीटों में से 24 पर अपने धुरंधरों को चुनाव मैदान में उतार दिया। वहीं इंदौर सहित अन्य 5 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी माथापच्ची का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं युग परिवर्तन की ओर पार्टी को ले जाना चाहते हैं और परिवर्तन लगातार भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहे हैं। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी जो है वो महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर ध्यान देती हुई नजर आ रही है और लगातार महिलाओं को पार्टी में तवज्जो दे रही है। यही कारण है कि इंदौर सहित अन्य लोकसभा सीटों पर जो पैच है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जहां जहां से महिलाएं चुनाव लड़े वो सेफ सीट हो। यही कारण है कि इंदौर लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती आई और लगभग 35 वर्षों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी महिलाओं को चुनाव लड़ाने की ओर ध्यान दे रहे हैं और इसकी जो हरी झंडी वो दिल्ली दरबार से ही मिलनी है। ऐसे में कहीं कैलाश विजयवर्गीय का ये जो बयान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि महिला सीट जो है वो इस बार चुनाव मैदान में उतार सकती है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में बल्लेबाजी करती हुई हमको नजर आ सकती है। कैलाश विजयवर्गीय को अगर के बयान को अगर गौर से देखा जाए तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कैलाश जो वर्तमान सांसद शंकर लालवानी का टिकट इसीलिए कटा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को टिकट देना चाहते और वो सेफ सीट से लड़ाना चाहते हैं। तो इंदौर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी सेफ सीट मानी जाती है। ऐसे में महिलाओं को तवज्जो जो है वो लोकसभा सीट इंदौर से मिल सकता है और महिला जो है वो चुनाव मैदान में उतर सकती है। अगर देखा जाए तो इंदौर लोकसभा सीट अभी होल्ड पर है और लगातार आरएसएस के कार्यकर्ता है अंदर खाने, उनकी रायशुमारी जो है वो पार्टी की ओर से ली जा रही है। तो वही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से भी लगातार मशवरे जो है वो किए जा रहे हैं। इंदौर लोकसभा सीट पर कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान है वो काफी महत्वपूर्ण है और कैलाश विजयवर्गीय कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं तो उनके जो बयान है उनको हम सरे से खारिज नहीं कर सकते और कैलाश विजयवर्गीय जो है वो इंटरफेयर भी लोकसभा सीट और टिकट को लेकर करने वाले हैं। ऐसे में अब कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे में लगभग ये स्पष्ट माना जा रहा है कि इंदौर लोकसभा सीट से महिला प्रत्याशी हम सबके सामने भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है और चुनावी जो बैटिंग है वो महिला को भारतीय जनता पार्टी इस बार दे सकती है और लोकसभा सीट से महिला को टिकट इंदौर से मिल सकता है।
जी, क्या लगता है संदीप कि कब तक भारतीय जनता पार्टी इंदौर से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है? देखिए, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने 24 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर लगातार रायशुमारी और बातचीत का जो दौर है वो जारी है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित होनी है जहां पर ये लगभग फाइनल हो जाएगा कि किस महिला को टिकट दिया जाए और कौन इंदौर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो। ये कुछ ही दिनों में हो जाएगा, मार्च के दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची हम सबके सामने आ सकती है और इसमें ये भारतीय जनता पार्टी इंदौर लोकसभा सीट से भी अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार सकती है। लेकिन इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस की रायशुमारी लगातार लेती हुई नजर आ रही है और खुद सुमेर सिंह सोलंकी जो इंदौर प्रभारी भी हैं वो लगातार मैदान में हमको दिखाई दे रहे हैं और लगातार इंदौर के नेताओं से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं और तमाम विधायकों से अलग अलग फीडबैक भी लेते हुए हमें सुमेर सिंह सोलंकी नजर आए थे और उसके बाद में कैलाश विजयवर्गीय का जो ये बयान आया उसके बाद में अब माना जा रहा है कि ये टिकट तो महिलाओं को मिलना है लेकिन कब तक मिलेगा इसकी जो तारीख है वो अभी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन ऐसे में माना जा रहा है कि जब भी दूसरी सूची भारतीय जनता पार्टी जारी करती हुई नजर आएगी और पार्टी के अंदर खाने जब विचार विमर्श होगा तो दूसरी सूची में निश्चित ही इंदौर लोकसभा सीट का नाम होगा और उसमें महिला को टिकट दिए जाने को लेकर भी दिल्ली दरबार अपनी अंतिम जो फैसला है वो सुनाता हमको नजर आएगा। जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय का दिया हुआ ये बयान अब लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। अब देखना यह होगा कि इंदौर से भाजपा कब तक अपनी सूची जारी कर सकती है, एक टिकट का नाम का ऐलान कर सकती है और किसका नाम हो सकता है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।